देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकारों द्वारा की जा रही लोक लुभावन घोषणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और मध्य प्रदेश राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत किया। भोपाल मीडिया सेंटर की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब के लिए एक अच्छा सुखद दिन है, क्योंकि जिस स्तर पर हम सब समाज जीवन में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो हस्तक्षेप हुआ है, वो हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैं सबसे पहले तो उसका स्वागत करता हूं कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो से हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद देना चाहिए, बस जरा चाय पीते हैं, बाकी काम चाय पीते समय एक ही प्रश्न होगा। हाँ मैं, हाँ आपके आपके अरे मैं एक मिनट तो जाओ, मैं आपके इतने सौहार्दपूर्ण और उत्साहित परिस्थिति के लिए सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी चाय पीते समय आइए, भोजन पे सभी लोग धन्यवाद, सबके सवाल लेंगे। विजय उनको बिठा दिया था, आप सबसे विपिन जी ले रहे हैं अभी, विजय बोलो। बोला मैंने, बोल दिया, बोला बोला, रिपीट हो गया विजय भाई, रिपीट हो गया। सुधीर जी आपका आपका सवाल क्या? चलिए सुचन्ना जी, इसके बाद प्लीज सुचन्ना जी बोलिए। नहीं, मुझे मैं समझ गया। मुझे लगता है मैंने ये बात पहले भी कही थी कि हमें किसी भी योजना के 6 महीने बाद और साल भर बाद जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित रही है, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है। और जो थर्ड पार्टी असेसमेंट और इम्पैक्ट असेसमेंट उसके आए बगैर हम कोई उंगली उठाए, मुझे लगता है ठीक नहीं है। सत्य सत्य सर, नितिन जी नहीं, मुझे लगता है कि इसको जरूर एक बार ईमानदारी से देख लेना चाहिए। राजनीति के इस द्वंद्व में जहां पर भाई भाई टिकट के लिए लड़ते हैं, माँ बेटे, बाप बेटे, हम देखते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक कह रहा हूँ, वहां पर मेरे भाई ने मिसाल कायम की है। और टिकट, उसका टिकट खतरे में नहीं था, पर मैं उसको इस बात के लिए साधुवाद जरूर देता हूँ। ये बात मैंने कही भी है प्रेस को कि जिस राजनीतिक दौर में आज परिस्थिति है, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि उसकी जीत ऐतिहासिक जीत होती इस चुनाव में। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उसका भाई हूँ, ये बात आप देख सकते हैं, उसके बावजूद भी
उसने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा, मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि जी हमारे परिवार का संस्कार था। हमारे यहाँ 60 साल बाद कोई धन तो छोड़ता था, चाबी छोड़ देता था, लेकिन उसने तो अपना कर्म क्षेत्र छोड़ दिया। सुधीर जी फिर विजय एक बार आप पूछ के उनको पूछ लो ना, इसके बाद बड़ा है। तो आप कैसे देखते हैं बिहार और राजस्थान इससे अलग है? और हाँ जुड़े सारे ले लो। सर आपकी भारतीय गिनती और आक्रमक नेता के तौर पर वो तो चुनाव में अभी नजर आएगी, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्री थे तो आपने अपने आप को सीमित रखा, प्रदेश की राजनीति में उतना नहीं। लेकिन आपने जो बात कही है कोई लांछन नहीं है, तो आपको मिस्टर क्लीन का है, सीएम एंड मीटिंग का है, और जितने केंद्रीय मंत्री और सांसद सर एक सेकंड जितने मैदान में उतरे हैं, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी है और आप मुस्कुरा रहे हैं। सर आप खुश हो कि नहीं? जुड़ा हुआ राकेश से जुड़ा, राकेश से जुड़ा है कि आप पॉलिटिकल हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो जो बातें आपने अभी की इसके आधार पे क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में एक डाक हाउस माना जाता है? नरसिंहपुर जिले के आप रहने वाले हो, हमारे यहाँ लालच और भय में फैसले नहीं होते, ये पर्याप्त है। हाँ। नहीं मुझे लगता है इस प्रश्न से जुड़ा कोई प्रश्न है। विजय जी पूछिए ना, ये तो अलग है, आपने तो उनकी लाइन पकड़ ली है, इनकी लाइन नहीं। सुधीर भाई अलग विषय हो गया, इस पे आते पहले चलिए। हाँ आपसे जुड़ा है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे गरीबी से यानी मुक्त की घोषणाओं से मतलब जो रेबड़ी है ये रेबड़ी लोकतंत्र के लिए घातक है, ठीक नहीं है समाज के लिए। तो मुझे लगता है कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री का कथन सही है या सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि जनकल्याण और फ्रीबीज में फर्क करने की जरूरत, आपके हिसाब से जनकल्याण और फ्रीबीज क्या है, दोनों में कैसे फर्क करें? इसी से जुड़ा सवाल मेरा भी। बहुत सारे प्रश्न हो गए, पहले एक का हो जाने दे, याद ही नहीं रहेंगे सबके प्रश्न। चलिए तुझे तो प्रश्न ही हुआ है तो आपने हमको ठोक दिया। नहीं ब्रजेश जी को जवाब का बल गया, उनको बैठिए बैठिए। मैं एक बैठिए आपको आपकी बात इसलिए खत्म कर देता हूँ क्योंकि वो पहले प्रश्न से जुड़ा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो कहना है उसमें और उच्चतम न्यायालय के सोच में कोई फर्क मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरफ अपनी योजनाओं को जो मैंने आपको गिनाया वो सिर्फ और सिर्फ सशक्तिकरण की है। हम थर्ड पार्टी असेसमेंट कराकर देश ने दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है, हमारी योजनाएं आर्थिक और सामाजिक धरातल पर क्रांति के मानक पैदा करती हैं, और इसलिए उसमें कोई टकराहट नहीं है। और इसलिए जब आप योजना बनाते हैं तो उसमें मुफ्तखोरी जैसे शब्द नहीं आ सकते। यदि आप उसमें सामाजिक रूप से उठाव की बात करते हैं तो वो देश ने नहीं दुनिया ने उसे इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा है, इसलिए मुझे कोई उसमें संदेह नहीं, ना टकराहट दिखती है। दूसरी बात आपने जो पूछी है पिछड़े वर्ग के बारे में, मुझे लगता है कि मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि हमें राजनीतिक दल हो या नेता उनकी नीयत पर देखना होगा, और मैं उनमें से हूं। जब मैं पहली बार सांसद बना था तो 91 का आखिरी इंटरव्यू मेरा था और सरकार गिर गई थी, तब मंडल कमीशन चरम पर था। आज वो स्थिति नहीं है इसलिए मैं जानबूझकर इसको कोट कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं, मेरा परिवार कभी पिछड़े का लाभ नहीं लेगा। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। इसलिए मैंने कहा कि नीयत महत्वपूर्ण बात होती है, हम बंटवारे के लिए अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो बात अलग है, अन्यथा मैं गर्व जिस पार्टी में मैं हूं भारतीय जनता पार्टी में, हमारे प्रधानमंत्री उसी वर्ग से आते हैं। आप मुख्यमंत्रियों की सूची उठाकर देखिए जो पिछड़ों के नाम पर वोट लेते हैं उनने कितने बनाए। हम मध्य प्रदेश में बैठे हमने हैट्रिक बनाई है, तीन मुख्यमंत्री थे तीनों उसी वर्ग से आते हैं, और इसलिए जो पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता
उन तमाम लोगों ने कभी नहीं दी जो पिछड़े की बात करने वाले लोग हैं, जो कि उन्हीं के नाम पर वोट बटोरते रहे लेकिन उनने नहीं दिया। मैं ऐसी 10 बातें गिना सकता हूं और इसलिए मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है कि पिछड़े को सबल बनाना, उसको नेतृत्व तो पैदा उभारना, अभी तो मुझे लगता है इस पर कर लेना चाहिए। अभी पहले इस पर कर रहे विषय पे पहले। हाँ हाँ, चलिए योगेन जी। हाँ विजय जी, हाँ इसलिए इसलिए मैंने आपको बोला। हाँ इससे संबंधित कोई और प्रश्न तो नहीं है। हाँ ये तो न्यायालय को बोलना पड़ेगा। सर आपने कहा हमारी लाडली बहना योजना, जबकि विपक्ष ये कहता है कि अभी जो सांसद मैदान में उतरे हैं इनके पास इंडिविजुअली कोई प्रोपेगेंडा या विकास के कोई कार्य नहीं है। जो हुआ है लाडली बहना योजना सिर्फ शिवराज जी के फेस वाली आपको याद रह जाएगा। सब जो सवाल आए इसी से रिलेटेड ये है कि ऐसे समय जब सरकार को अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है तो ये कितना उचित है? मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश जी ने अपनी बात शुरू की, बाकी मित्रों ने उसको जोड़ा, उन्होंने तो सीधे उसी बात को जोड़ा है। मेरा एक निवेदन है, हम अगर केंद्र की योजनाओं को देंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान, ये भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा पहला सशक्त संकल्प था, क्योंकि हम हमेशा से कहते थे कि महिला हमारी बराबरी का दर्जा महिला को नहीं, हमारी ऊपर है उसका स्थान, और ये हमारी सनातन परंपरा को हम शीर्ष पर रखते थे। और जाते हैं तो हम आदिगुरु शंकराचार्य पर आते हैं 2000 वर्ष तक, उसके और नीचे आते हैं तो हम रानी दुर्गावती के कालखंड की बात करते हैं, और नीचे आते हैं तो 1857-58 में हम लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब महिला स्वाभिमान और उसके सशक्तिकरण की बात होती है तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक है शौचालय का, और इसे शौचालय जितनी भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं हमें नहीं पता कि किस दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि जैसे ही शौचालय बने थे और उसके बाद में जो इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ उसका, और थर्ड पार्टी असेसमेंट हुआ, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, वो रिपोर्ट में भी सोशल मीडिया में आपको भेजूंगा, जल जीवन मिशन हो या शौचालय हो, यूएन ने जिस प्रकार से उसकी तारीफ की है या जो इम्पैक्ट असेसमेंट में परिणाम आए हैं, हम उसको मुफ्त खोरी की बात नहीं कह सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है योजना के क्रियान्वयन के 6 महीने बाद निश्चित रूप से इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, और दूसरा थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए। मैं दो बातें कह रहा हूं, और इसलिए मैं लाडली बहना योजना हो या हमारी कोई भी योजना, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हर घर जल हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो और हर घर बिजली हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती, और किसी भी असेसमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं न्यायालय के इस कोशिश का सम्मान करता हूं और आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं, हम थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार हैं। मनोज, तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे, ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। दूसरी बात जो सदैव होती रही है, जिस पर अभी न्यायालय संज्ञान लेता रहा है, कि चुनाव के आसपास हम अनर्गल आरोपों के बारे में ज्यादा बातें सुनते हैं और देखते हैं। ये प्रमाणिकता का खत्म होना आने वाली पीढ़ी के भरोसे को खत्म करेगा, और इसलिए मैं चूंकि अभी उम्मीदवार हूं, एक कांग्रेस के नेता अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया,
लेकिन वो वीडियो मैंने देखा और मेरे अनुज ने उनको नोटिस भी दिया है। लेकिन मैं दो तीन बातें आपके सामने, सफाई के तौर पर नहीं, कि तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल, और राहुल नाम की का इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ उस पर वो सारी रिपोर्ट सीजीए जी ने 2012 में दी थी। मैं सौभाग्य से 2004 से लेकर 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो दूर की बात है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतने परे हों, अगर मैं शायद सांसद भी होता तो अभी बात अलग है। और इसलिए, और दूसरी बात यह, मैं नैतिक मूल्यों के समर्थन का सिर्फ बातों के जमा खर्च में समर्थन नहीं करता। मुझे गर्व है मेरे ऊपर या मेरी खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है। इस बात